राज्य में यवतमाल आपूर्ति विभाग उचित अनाज वितरण के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है। जिला आपूर्ति विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं राशन वितरण का कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उनकी टीम के माध्यम से जिले में बड़े पैमाने पर किया जाता। इन सभी बातों का हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने पूरे ऑफिस को ई सर्विस के तौर पर शुरू किया। इसीलिए सरकार के माध्यम से दी जाने वाली अनाज की सप्लाई तुरंत गाँव तक पहुँचाई जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी सुधाकर पवार के नेतृत्व में जिले में संतोषजनक कार्य चल रहा और वितरण के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश हिस्सों में समुचित अनाज की आपूर्ति की गई है। अब तक 65% अनाज का वितरण कर दिया गया। आगे वितरण को नियमित किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि त्यौहार अवधि के दौरान कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में जिले में 5,45,792 राशन कार्डधारी हैं। इनमें से 3,34,413 परिवारों को खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष वितरण इसी किस्त में किया जाएगा। गौरी गणपति के अवसर पर सरकार द्वारा आनंद राशन वितरित किया गया और इसका वितरण अभी भी जारी है। अब तक 92% राशन वितरित किया जा चुका है तथा शेष वितरण जारी है। दिवाली के लिए अभी तक सीधा आवंटन का कोई आदेश नहीं मिला है। सर, जिल्ह्यात एकूण किती कार्ड धारक आहे आणि आतापर्यंत किती कार्ड धारकांना राशन वितरित करण्यात आले आहे? यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेचे 5,45,792 रेशन कार्ड आहे। यापैकी आतापर्यंत 3,34,413 रेशन कार्डवर वाटप झालं आहे आणि 61.27% आहे। आणि आता जे राहिलेले थोडेसे वाटप ते पुढील 1 आठवड्यामध्ये पूर्ण होऊन जाईल। सद्यस्थितीमध्ये गौरी गणपती उत्सवानिमित्त जो आनंदाचा शिधा प्राप्त झाला होता जिल्ह्यामध्ये त्याचं वाटप सुरू आहे। त्याचं आतापर्यंत 92% वाटप झालेले आहे। 8% वाटप शिल्लक आहे, ते पुढील काही दिवसामध्ये होऊ शकतं। आणि दिवाळीसाठी अद्याप शासनाकडून अशा प्रकारचे कुठले आदेश प्राप्त झालेले नाही आहे।